सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने माधव राय मंदिर में पूजा अर्चना की तथा माधव राय की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की मध्य जलेब में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो माधव राय मंदिर से आरंभ होकर पटेल मैदान में संपन्न हुई। इस अवसर पर पटेल मैदान में जन समूह को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देव समागम के इस अनूठे महोत्सव में जहां श्रद्धालुओं को मंडी जनपद के देवी देवताओं के दर्शन करने का मौका मिलता है, वहीं लोगों को छोटी काशी और इसके ग्रामीण क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि मेले हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता के प्रतीक हैं, लेकिन मंडी में मनाए जाने वाले शिवरात्रि महोत्सव की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि को पर्यटन मानचित्र पर विकसित किए जाने की जरूरत है, ताकि दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी हमारी दीप परंपरा व संस्कृति का पता चल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र का चहुमुखी विकास बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर तथा सात लगते क्षेत्रों के लिए 82 करोड़ रुपए की पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी बस अड्डे को और विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके बाद महेंद्र सिंह ठाकुर ने पटेल मैदान में लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। उपायुक्त एवं अध्यक्ष शिवरात्रि मेला आयोजन समिति ऋग्वेद ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक कर्नल इंद्र सिंह, राकेश जम्बाल, इंद्र सिंह गांधी, हीरा लाल जवाहर ठाकुर, नगर परिषद की अध्यक्षता पूनम ठाकुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस छोटी काशी को हमारे सांसद महोदय ने, जब से सांसद बने हैं, उन्होंने मंडी जिला की छोटी काशी को जो है कि नई दिशा दी है। मुझे लगता है कि छोटी काशी के देवी देवता देवी देवताओं का आशीर्वाद आशीर्वाद मिला, और जो न होने वाला था असंभव था असंभव को संभव में बदल दिया, जिसके लिए मैं मंडी जिला के सभी भाई बहनों को हिमाचल प्रदेश से तारीख को और 20 तारीख को जोहार घाटी के एवं छठी